ऑपरेशन तमंचा अभियान पर बोलते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा कि जोन के 11 जनपदों में ऑपरेशन तमंचा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके संबंध में जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ सप्ताह में बैठक करके इसकी समीक्षा भी की जाती है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन तमंचा में तमंचे और गोली के बरामदगी के साथ यह भी पता लगाया जा रहा है कि इतना तमंचा और गोली आ कहां से रहा है तथा इसके सोर्स का भी पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा, पुलिस अपराधियों से पूछताछ करके सोर्स के बारे में पता लगाएगी, इससे निश्चित रूप से अपराध में कमी आएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, पूरे गोरखपुर में आने वाले समस्त 11 जनपदों में चल रहा है और इस विषय में साप्ताहिक बैठक करके सभी पुलिस अधीक्षकों से क्या कार्रवाई की गई है वो पूछा भी जाता है। और इसमें विषय सिर्फ ये नहीं कि तमंचा रिकवर हो, वो तो है ही कि तमंचे को पकड़ना है। तमंचों का पोजीशन जो है एक भय जाना चाहिए समाज में और लोगों में कि लेके चलने की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण विषय है कि तमंचा आ कहाँ से रहा है, कारतूस आ कहाँ से रहा है, उनके सोर्सों को पता लगाना। और ये आसान काम नहीं होगा क्योंकि बहुत दिन से चल रहा है अगर ये व्यवस्था, तो इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी मानसिकताओं को हमारे विभाग में भी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी कि इस विषय में पूछताछ करें। कुछ दिनों जब लगातार पूछताछ होगी तो हमें सोर्स के बारे में पता लगना पड़ेगा और फिर सोर्स पर प्रभावी कार्रवाई जब करेंगे तो कालांतर में धीरे धीरे इसके प्रचलन पर अवश्य कमी आएगी।